हमें हर वीक या दो वीक बाद हमने अपना ट्रेनिंग पैटर्न चेंज करना है, और डाइट अगर हमारी ठीक नहीं है तो हमारी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है। अगर हम अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज मुस्तकीन खान, आप देख रहे हैं किम फिटनेस चैनल। गाइस आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं जिम में ट्रेनिंग कैसे करता हूं और मैंने अपनी बॉडी को कैसे डेवलप किया और कैसे अपनी बॉडी पे मास चलाया है इस 3-4 मंथ में। आ जाओ गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं आपको बताऊंगा आते साथ ही मैं कोशिश करता हूँ मैं बैक पे वार्म अप करूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बैक ऐसा मसला है जो हमें पीछे से चौड़ा नजर आ, जो बंदा कहता है चौड़ा क्यों है, चौड़ा विंग्स बाहर, हमारे एक शोल्डर और हमारी बैक, ये दो मसल ऐसे हैं जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, इस पे वार्म अप करें। मैं आते साथ ही बैक का पहला सेट यहाँ से लगाता हूँ। ठीक है नॉर्मल लाइट वेट। मेरे साथ गाइस मेरा छोटा भाई बिलाल है। इस पे हमने आज से बना रेपिटेशन लगाने लगा दो भी साथ साथ में। पूरी ट्रेनिंग में आपको गाइस आज बताऊंगा कि मैं कहाँ से वार्म अप करता हूँ और कहाँ से मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करता हूँ। आज वैसे तो लेग डे था लेकिन मैंने सोचा कि आज लेग को स्किप करते हैं, हम मंडे को लेग लगाएंगे इंशाल्लाह। तो बिलाल मेरे साथ है जो आजकल रेगुलर मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा है। बस ये डाइट को फॉलो नहीं करता और ये कहता है कि मैं ऐसे बिल्डर बन जाऊं डाइट को फॉलो किए बिना। गाइस आज से मेरा हर रोज जो मैं खाता हूं, जो मैं डाइट लेता हूं, कैसे चलता हूं, मैं आपको पूरा अपना बताऊंगा कि मैं पूरा दिन कैसे गुजारता हूं, कितने घंटे सोता हूं, क्या ट्रेनिंग करता हूं, कैसे अपने मसल को चेंज करता हूं, ये सब इंशाल्लाह मैं आपको डे बाय डे हर व्लॉग में बताऊंगा। ये आज मेरा इसलिए मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया कि मैंने अब मंडे से कि नेक्स्ट मंडे से मैंने अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी है। आपको मैं दिखाऊंगा फैट टू फिट, कैसे हमने इस पेट को सिक्स पैक में कैसे बदलना है। मैंने अपने साइज बल्किंग मोड में था, अब मैं इंशाल्लाह अपनी कटिंग की तरफ आया हूँ जिसको कहते हैं मस्कुलर। मस्कुलर के साथ मैंने बॉडी को मस्कुलर कैसे करना है गाइस वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये मेरा तीसरा सेट है। लगा शाबाश गाइस, हमारा वार्म अप हो गया है और इंशाल्लाह हम अब ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। बस ये बिलाल अपना सेट लगा ले आराम से, शाबाश, वेरी गुड। ये देखिए गाइस, ये मसल हमारा ट्रेन हो रहा है, शाबाश शाबाश। कौन सी लगानी आज? हाँ कौन सी? गाइस हमने आठ से बारह रेपिटेशन में हमने अपने मसल को वार्म अप करना है, कोशिश करनी है कि हमने 3 सेट बैक के, एक आधा सेट फ्रंट का, उसके बाद वार्म अप स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेनिंग, सॉरी स्टार्ट करेंगे वार्म अप तो हमने। अगर हम जिम में हैं तो हमें एकदम जब रश होती है हम कहते हैं कि भाई इनक्लाइन बेंच प्रेस हम लगा सकते हैं अगर हमारे पास बेंच प्रेस फ्री ना हो। ठीक है, तो ज़्यादातर चेस्ट डे में या मंडे जब आर्मी डे चेस्ट होता है तो हम कहते हैं कि हमने बेंच प्रेस ही लगानी है, लेकिन हमारे पास बेंच प्रेस फ्री नहीं होती और हम कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं आधा आधा घंटा, फ्री नहीं होती, तो हम अपनी ट्रेनिंग ईजीली इन क्लाइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब बेंच प्रेस फ्री होगी तो हम बेंच प्रेस लगा लेंगे। तो गाइस हम इस टाइम भी वही हिसाब है, बेंच प्रेस फ्री नहीं है तो मैंने कहा इन क्लाइंट से स्टार्ट करते हैं। तो बिलाल प्लेटें नहीं आया,
पहला सेट जो भी हम लगाएंगे पूरी कोशिश करेंगे हम इसका वार्म अप लाजमी करेंगे उसी मसल को। वेट में हमने कोशिश करनी है कि हमने अपने चेस्ट को वार्म अप कर लेना है जो भी हमारा सेट होगा जिस सेट का जो हम सेट फर्स्ट लगाएंगे। उसके बाद हमने कोशिश करनी है कि जितना वेट हम अच्छा लगा सकते हैं हम वही लगाएंगे। तो शाबाश लगा बिलाल। मैंने आपको आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने जो भी सेट लगाना है सीक्वेंस से लगातार लगाते जाना, ठीक है? तो क्योंकि लाइट वेट है, अगर बहुत ज्यादा वेट हो तो फिर बंदा आराम आराम से लगाता है, जब लाइट वेट है तो हमने लगातार लगाते जाना। जी हाँ, शाबाश। प्रे डाल था। सारा प्रोसीजर हमने दो मंथ में इस फैट वाली बॉडी को फिट कैसे करना है, सिक्स पैक कैसे निकालने हैं, ये दो मंथ आपके सामने ही मैंने डाइट देनी है, आपके सामने ही इंशाल्लाह मैंने ट्रेनिंग पैटर्न भी आपको दिखाना है और ट्रेनिंग करके दिखानी है कि मैंने कैसे अपने आप को चेंज किया। लोग कहते हैं दो तीन मंथ में ट्रांसमिशन नहीं होती है, मैं कहता हूँ आपको मैं करके दिखाऊँगा दो ढाई मंथ में सिक्स पैक कैसे निकलते हैं इंशाल्लाह। हमारा अब सेट है बेंच प्रेस का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेंच प्रेस। बेंच प्रेस का हमारा फर्स्ट सेट है गाइस। पहला सेट हम लगा रहे हैं, फर्स्ट तो हमने लगाया, सेकंड सॉरी सेट है हमारा ये। हो गया फर्स्ट सेट। प्लेट डाल दे। पंद्रह वाली है, दस वाली निकाल ना, अल्लाह का हुक्म पंद्रह नहीं डाल दे। राज मैंने कहा लास्ट सेट दूसरा सेट है इसका तो लगा ले। अल्लाह समद छोड़ दे। भाई सेकंड सेट था मेरा बेंच प्रेस का तो 10 वाली प्लेट मिल नहीं रही थी, मैंने कहा 15 मिनट डालो और आज अपनी पावर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह लग गया सेट वैसे। चल शाबाश।
One more. Right, wait. चबा, उठ जा। आपने पंजा लगाया था मेरे साथ, उसका नतीजा मुझे भी पता। गाइस ये हमारा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम दो दो सेट लगाएं। वैसे जो भी ट्रेनिंग मेरी फॉलो करेगा वो तीन सेट लगाएगा, आठ से बारह रेपिटेशन की, ठीक है? तो हम तीसरे सेट की तरफ चलते हैं। उसकी तरफ जा, मेरा सेट आ गया है। बिगनर के लिए भी मैंने पूरी चेस्ट की ट्रेनिंग लगाई हुई है वीडियो में, और हर एक सेट की मैंने फुल ट्रेनिंग लगाई हुई है। जो गाइडलाइन के लिए मैंने बिगनर के लिए सारी ट्रेनिंग बताई हुई है, और जब बिगनर के बाद, बिगनर से तीन चार महीने, छः महीने से ट्रेनिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिम में आ रहा है, उसका काम है कि वो मेरी इस टाइम ये ट्रेनिंग को फॉलो कर सकता है। और आने वाले वक्तों में एक पाँच छः दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करनी है। तो जिसने अपनी अपनी बॉडी को मस्कुलर करना है या वस्कुलर करना है, वो भी मेरी ट्रेनिंग को फॉलो कर सकता है और मेरी डाइट को भी फॉलो कर सकता है। लाइट वेट, मैंने कहा लाइट वेट ही पकड़ते हैं गाइस। लाइट वेट वन, दो दो सेट बहुत है। शाबाश शाबाश। ये हमारा टेस्ट का एक वीक हमने छुट्टियाँ ही की हैं बस, और हमने कहा दो दो सेट लगा के आज आपको अपना बताएं कि हमारी ट्रेनिंग पैटर्न कैसी है टेस्ट की। और हम हर वीक अपना ट्रेनिंग पैटर्न चेंज करते हैं। लोग एक ही ट्रेनिंग पैटर्न को चार चार महीने लगाते जाते हैं। उसको जाके बोल दिया तो ये रेपिटेशन हमें लगानी है। ये मैंने डंबल लिया, लाइट वेट प्रॉपर मैं बताऊंगा कि आपको हमने कैसे चलना है, ठीक है गाइस? अपनी मस्कुलरिटी की सारी डाइट इंशाल्लाह आपसे शेयर करनी है। दो मंथ में मैंने ट्रांसमिशन कैसे करनी, साथ साथ ट्रेनिंग भी बताऊंगा। हाँ इंशाल्लाह, चल पकड़। एक मुझे बस इधर रख दे, आ
चौथा सेट भी मुकम्मल हो गया है। अब हम सिर्फ आखिरी कंपाउंड सेट लगाएंगे, वो है बटरफ्लाई विद चेस्ट, जिसको हम कहते हैं सुपर सेट। लास्ट हमने सुपर सेट चला के अपनी ट्रेनिंग अप कर देनी है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इससे डेवलपमेंट मिलेगी। लोग कहते हैं नहीं जी भाई सारी ट्रेनिंग आज दिखा दें, वो जाके नेट पे सर्च करते हैं और वो कहते हैं कि जितनी भी चेस्ट की ट्रेनिंग है इकट्ठी आज दिखानी है, कल हमने आर्नल्ड बन जाना है, आर्नल्ड बन जाए, कोलीमैन बन जाए, हमने आज कल कुछ ना कुछ बन जाना है। राय जाते नहीं है, हमने तीन मसल को ट्रेन करना है, लो, दरमियाना मसल, अपर चेस्ट। हर रोज हमने एक मसल को ट्रेन जरूर करना है, लेकिन इस एक मसल में हमने जो तीन मसल ट्रेन करने हैं ना, उसकी जो ट्रेनिंग पैटर्न है उसका अगर हमें नहीं पता तो हमारी ट्रेनिंग बेकार है, हमारा मसल डेवलप नहीं होगा, पहली बात गाइस। दूसरी बात ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने हर वीक या दो वीक बाद हमने अपना ट्रेनिंग पैटर्न चेंज करना है, और डाइट अगर हमारी ठीक नहीं है तो हमारी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है। अगर हम सोएंगे नहीं, हमने 8 घंटे रेस्ट नहीं की, हमने डाइट पूरी नहीं ली, हमारी ट्रेनिंग पैटर्न बेकार, हमारी ट्रेनिंग बेकार, हमारा सब कुछ बेकार है। तो गाइस इस पर सबसे ज़्यादा आपने गौर करना है, और जाके इंटरनेट पे सर्च कर, जाके इंटरनेट पे सर्च किया कि ट्रेनिंग चेस्ट की ट्रेनिंग क्या क्या पैटर्न है, वो प्रोफेशनल लेवल पे स्टीरॉयड लेके हर चीज़ लेके उन्होंने अपने मसल को बना दिया, वो जो सा मर्जी सेल लगाएंगे ना उनका मसल डेवलप होना ही होना है। हमने नीचे से जहाँ से स्टार्ट है ना उस हिसाब से हमने अपनी ट्रेनिंग लगानी है। तो गाइस कोशिश किया करें, अवॉइड किया करें सारे सेट हमने एक दिन में नहीं लगाने, आए अब लास्ट सेट हम लगाते हैं, उसके बाद हमने अपनी ट्रेनिंग अप करनी है। बस 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 ठीक गाइस, ये हमारा बटरफ्लाई का लास्ट सेट जो हमने इसके साथ सुपर सेट चलाना है, पुशअप के साथ हमने बटरफ्लाई लगा के साथ ही हमने पुशअप लगाना है। ये हमारा लास्ट सेट ट्रेनिंग अप, 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, इससे ज़्यादा हमारी ट्रेनिंग नहीं है। लोग यहाँ 2-2 घंटे ट्रेनिंग लगाते हैं और कहते हैं मसल डेवलप नहीं होता, कैसे मसल डेवलप हो? मैं पहले बताता हूँ, दांत साड़ी चेस्ट उठा के ये हमने सेट करना, जब हमने पीछे ना हमने एल्बो कोनियों को थोड़ा सा बेंड रख के चेस्ट को पीछे आना, ठीक है गाइस, आगे पूरा स्ट्रेट, पीछे आना हमने कोनियों थोड़ी बेंड। गाइस इसके साथ हमने कोई जगह नहीं देखी, हमने सिर्फ देखना है हमारा सुपर सेट चल रहा है, तो हमने साथ ही पुशअप स्टार्ट किया। थोड़ा नीचे आ जा, आ जा बिलाल का सेट भी दिखाओ, शाबाश शाबाश, आराम से। बिलाल 2 दिन बाद सेट भूल गया मुझे लगता है, कोनिया ऊपर उठा के आ, शाबा 1 सेकंड रोकना है। आगे ट्रेनिंग बहुत हार्ड होने वाली है, हमने कम से कम 30-30 रेपिटेशन लगानी है। आ जा गाइस, बस ठीक है मेरे पास ही खड़ा हो जा। गाइस हमारे साथ बिलाल था, ये बिलाल का यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसको लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ ही ट्रेनिंग करता है, और हमारा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें हमने, इसमें अगर मेरी जितनी भी गलतियां, आपने इसको अवॉइड करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।